जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा शुक्रवार को कंट्रोल रूम के सभागार में गुम एवं चोरी हुए मोबाइल की तलाश कर मोबाइल धारकों को खुशी लौटने का प्रयास किया गया। कुल 161 मोबाइल लोगों को वापस किए गए। वहीं साइबर सेल की टीम के द्वारा इन मोबाइलों को खोजा गया, जिनकी कीमत लगभग 23,28,217 रुपये अनुमानित बताई गई है। आज जबलपुर के कंट्रोल रूम के सभागार में आज करीब 161 गुम मोबाइल जो उनके धारक हैं उनको लौटाए गए हैं। जो ये 161 मोबाइल फ़ोन्स हैं इनकी कीमत करीब 23,28,000 रुपये है और पूर्व में भी वर्ष 2024 के करीब 151 मोबाइल जिनकी कीमत 21,17,000 रुपये लौटाए जा चुके हैं। हमारी जो साइबर की जो टीम है उसने लगातार अच्छा काम किया है और हमारे सभी ऑफिसर्स एडिशनल एसपी सभी जो अधिकारी साइबर से और पुलिसिंग से जुड़े हैं सभी लोगों ने करीब पिछले इस वर्ष में 34,47,000 के की जो राशि है वो साइबर फ्रॉड में जो पैसा गया था उसको कोऑर्डिनेशन करके उन्हें जो उनके कंप्लेनेंट्स हैं उनको लौटाया गया है। हमारी जो टीम है वो लगातार जो नेशनल साइबर पोर्टल है 1930 नंबर है उस पर उनसे कोऑर्डिनेशन करती है और लगातार यदि कोई भी साइबर फ्रॉड की घटना होती है तो उसको रिपोर्ट करके पैसा लौटाने का प्रयास करती है। मेरा सभी सिटीजन से आग्रह है यदि कोई भी साइबर फ्रॉड का सबसे जो बड़ा सलूशन है वो ये है कि हम अवेयर रहें और दूसरा यदि हमारे साथ साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत जो है वो साइबर सेल को सूचना दें ताकि पुलिस जल्दी से जल्दी आपकी मदद कर सके। देखिए मोबाइल फ़ोन आज की लाइफ आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें बॉडी का पार्ट बन चुका है। व्यक्ति मोबाइल फ़ोन अपने साथ 24 घंटे रखते हैं और ये बहुत सारे हमारी डे टू डे रूटीन में बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। हमारे बहुत सारे काम बहुत सारा बिजनेस बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो मोबाइल फ़ोन से ही चल रही हैं आजकल। ऐसे में उसकी इंपॉर्टेंस को देख के यदि किसी का मोबाइल फ़ोन खो जाता है तो उनके बहुत सारे ऐसी डिटेल्स होती हैं ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो मोबाइल के साथ चली जाती हैं। मुझे लगता है आज जो जिन लोगों को मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं उनके लिए आज काफ़ी खुशी का दिन होगा और निरंतर हमारी टीम यह प्रयास करती रहेगी कि यदि कोई ऐसे किसी का भी मोबाइल खोए या फिर कोई कंप्लेन हो फ्रॉड की तो हम उसकी मदद कर पाएंगे। आज शाम 7 बजे हाईकोर्ट के सामने स्थित हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती कचहरी वाले बाबा रहमतुल्लाह के आस्थाने पर परचम कुशाई का अहतमाम किया गया। इसमें खादिम आला चंगेज़ खान अशरफी के अनुसार सज्जादान अशीन बाबर खां बदानवाजी की सरपरस्ती में बाद नमाज मगरिब मज़ार शरीफ पर गुल पोशी कर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। हज़रत सैयद ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती बाबा साहब कचहरी वाले रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे आज परचम कुशाई का अहतमाम किया गया था। जो अभी परचम कुशाई हुई आस्थाने में उर्स का महीना है ये ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती बाबा साहब कचहरी वाले रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चांद की 20 तारीख से बढ़ता है और आज चांद रात है। चांद रात के दिन परचम कुशाई होती है यहाँ पर तो आज वो परचम कुशाई की रस्म अदा की गई है, दुआएँ खैर की गई हैं, इसके बाद लंगर तकसीम होगा और चांद की 20 तारीख से मतलब आज से 20 दिन बाद बाबा का साहब का उर्स का आगाज़ होगा तो उर्स की तैयारियां आज से शुरू हो जाएंगी। कव्वाल हजरात से राबता कायम किया जा रहा है, हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल यहां पे आएंगे अपनी हाजिरी पेश करने के लिए तो उनसे राबता कायम किया जा रहा है, उर्स की तैयारियां चालू कर दी जाएंगी और 20 तारीख चांद की यानी कि 29 या 30 मई से उर्स का आगाज़ हो जाएगा जो 2 जून या 3 जून तक उर्स मुबारक चलेगा, उसके बाद उसका इख्तिताम हो जाएगा। क्या खास रहता है कचहरी वाले बाबा, क्या खास है? हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं इस दरबार में, मध्य प्रदेश के लोग जबलपुर और डिवीज़न संभाग के लोग तो आते ही हैं लेकिन आपको प्रदेश के लोग मिलेंगे हिंदुस्तान के कर्नाटक से राजस्थान से यूपी से महाराष्ट्र से चारों तरफ के तरफ से मेहमान हजरात और जायरीन श्रद्धालुगण दरबार में हाजिरी देने उर्स के दौरान आते हैं। क्या खास है कचहरी वाले बाबा के लिए? लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, मन्नतों का दरबार कह लो इसको, बाबा साहब की करामातें बहुत हैं
हर किसी ना किसी तीसरे व्यक्ति से पूछोगे तो आप एक नई करामात बताएं कि हमारे साथ बाबा की ये करामात हुई है जी। तो लोगों की परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर होती हैं, लोगों को परेशानियों से निजात मिलती है, तो लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, इधर से लोग जुड़ते हैं और हर वर्ग, हर कौम के, हर धर्म संप्रदाय के लोग जुड़े हुए हैं दरबार से, चाहे सेवा के लिए बोल लो, चाहे दर्शन के लिए बोल लो। खादिम आला चंगेज़ खान अशरफी। जबलपुर के मदन महल स्टेशन में ट्रेन में चलते समय एक महिला का अचानक पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे आकर और वह ट्रेन के नीचे आ गई, जिस महिला की घटना स्थल पर मौत हो गई। घटना के बाद से ही स्टेशन परिसर में माहौल काफी गमगीन हो गया। मौके पर पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई के उपरांत शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए घटना की पड़ताल शुरू कर दी है। मामला ये ट्रेन इंटरसिटी से सोलत पत्नी, ये क्या नाम इसका, वाहिद खान, अपने साली की शादी में जो है, मैं परिवार के जो है जबलपुर गढ़ा आया था। मोहसिन खान की शादी थी और रमीज राजा की। शादी संपन्न कराने के बाद जो है आज अपने भोपाल जा रहे थे, तो उसी समय ये सोलत खान महिला जो है ट्रेन में चढ़ रही थी। चढ़ते समय उसका पैर फिसल गया, फिसलने से जो है ट्रेन के नीचे आ गई और दो उसका शरीर जो है दो भागों में कट गया और मौत हो गई। उसकी उम्र 28-30 साल। क्या नाम है? इसका नाम है सोलत खान, पति वाहिद खान, उम्र 28 साल, निवासी एस बाग, ये भोपाल। जबलपुर में पुलिस परिवार के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समर कैंप का शुभारंभ किया गया। पुलिस ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने 30 दिनों तक चलने वाले इस समर कैंप का शुभारंभ किया। समर कैंप के शुभारंभ में पुलिस अधीक्षक ने क्रिकेट मैच खेलकर इसका उद्घाटन किया। आज जबलपुर पुलिस लाइन्स में समर कैंप का इनॉग्रेशन किया गया है और रिस्पेक्टेड डीजी सर के निर्देश में पूरे मध्य प्रदेश में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज से यहाँ पर पुलिस लाइन में रहने वाले सभी बच्चे समर कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें अलग अलग गेम्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। ये 1 महीने कैंप चलेगा, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, आपस में कॉम्पीट करेंगे और तरह तरह की जो स्किल्स हैं वो सीखेंगे। आप लोग यहाँ पर ट्रेनर के रूप में आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। खेलों को प्रशिक्षण देंगे, किन किन खेलों को? समर कैंप के लिए आए हैं 1 महीने के लिए। मैं बॉक्सिंग कोच हूँ और हमारे यहाँ से 9 कोच यहाँ भेजे गए हैं अलग अलग गेमों से, क्रिकेट और ये खो खो की कोच हैं और हैंडबॉल की कोच आई हैं, बास्केटबॉल के कोच हैं, वॉलीबॉल के कोच हैं और फुटबॉल के भी कोच हैं, बैडमिंटन कोच हैं और डॉजबॉल के भी कोच हैं, तो ये आर्चरी की कोच हैं ये मैडम, तो ये 9 गेमों के लिए हम लोग आए हैं खेलने बाद से बच्चों के लिए। किस प्रकार से आप बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, क्या आपने कुछ रूपरेखा बनाई है समर कैंप के दौरान? बोलो सर। मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आगे आ जाइए। मुख्य उद्देश्य ये रहता है समर कैंप का कि जो बच्चे घर में रहते हैं वो जो पढ़ाई का पूरा साल भर स्ट्रेस हो जाता है और कुछ टाइम के बाद होता है कि बच्चे जो रहते हैं कुछ टाइम बाद जब यहाँ आते हैं मनोरंजन भी हो जाता है, माइंड फ्रेश। और इन बच्चों में से पूरे बच्चे तो नहीं, पर कुछ बच्चे जो हैं वो खिलाड़ी की तरफ रुख मोड़ते हैं, जिनको हमें कंटिन्यू हो जाते हैं, वो ग्राउंड में आने लगते हैं और उन्हीं में से कोई ना कोई एक खिलाड़ी तैयार होता है। हमें अनुराग चौबे। मैम आप? गुड नेम? नूपुर पांडे, बॉक्सिंग कोच। जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरनेर नहर से 17 वर्षीय किशोरी की पत्थर पटक कर हत्या का मामला सामने आया है, जहां आसपास के लोगों ने इसकी सूचना खमरिया थाना पुलिस को दी। पुलिस अज्ञात आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। थाना प्रभारी खमरिया द्वारा बताया गया कि रात्रि में डायल 100 पर एक इवेंट आया था, जिस पर डायल 100 और थाने का बल मौके पर पहुंचा तो वहां पर एक लड़की जो थी वो मृत अवस्था में वहाँ पड़ी थी, उसके सिर पर कुचलने जैसे निशान थे। तत्काल इसमें मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और लड़की का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतका का पता ज्ञात हो चुका है और इसमें जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होता है तत्काल इसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर और अज्ञात आरोपी की को गिरफ्तार कर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।